वायर आप देख रहे हो यहाँ से जो जा रही है आगे को, ये सीधा हमने रिले में लगा दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शैली मोटर ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप गाइस आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की वीडियो है वो फिर से अपनी बाइक स्प्लेंडर पे ही होने वाली है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था मैं रूट्स के जो हॉर्न है वो लेके आऊँ बाइक के लिए, वो मैं उस पर फिटिंग करने जा रहा हूँ। और हॉर्न वगैरह की जो उसकी पत्ती वगैरह फुल जो कॉस्ट है वायरिंग वायरिंग सब कुछ करके बाइक कितनी आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, फिर आप बाद में रोगे कि आपको प्राइस वगैरह का फुल पता नहीं चला कि कितना प्राइस का पड़ गया फिटिंग करके। तो गाइज आपको मैं बताता हूँ, जो हम इसमें पत्तियाँ वगैरह यूज़ करने वाले हैं वो ये वाली हैं। आप देख रहे हो इसमें मैंने नट वगैरह सब कुछ नट बोल्ट वगैरह लगा दिए हैं। ये मैंने इसको जो प्रॉपर फिक्स करवा दिया इसके अंदर, ये देखो वेल्डिंग करवा के प्रॉपर फिक्स करवा दिया। सबसे पहले हम इसको पेंट कर लेते हैं अच्छी तरह से ताकि ये और ना लगे। तो गैस हमें ये जो इसकी फिटिंग के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है एक 12-13 का स्पैनर, एक चाहिए प्लायर और एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए ऐसा स्टार वाला। और ये है एक रिले जो इसको जो आउटपुट है जो बढ़ा के देगी, आपकी बैटरी पे लोड भी नहीं पड़ेगा। और एक ये जो वायर है 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास आपकी वायर लग जाएगी। और ये आपके जो थिम्बल हैं ये भी आपको चाहिए होंगे। तो ये थिम्बल ये सब कुछ अभी लगेगा, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे कैसे आपने जो कनेक्शन वगैरह वो करने हैं इसके। ये सारी फिटिंग हमने कर ली है। ये जो वायर आप देख रहे हो यहाँ से जो जा रही है आगे को, ये सीधा हमने रिले में लगा दिया है। रिले के अंदर जो वायर लगी हुई है वो हमने जो लगाई है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी नंबरिंग होती है एक वायर की। जो ओरिजिनल रिले आप लोगे ना उसकी एक नंबरिंग होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो नंबरिंग वगैरह उसमें जो आपने ये कनेक्शन वगैरह करने हैं वो कैसे करना है और आउटपुट कहाँ से लेनी है। तो गाइस जो अपने हॉर्न्स की फिटिंग है वो सारी हो चुकी है अपनी, ये कुछ ऐसे दिखेगी आप देख सकते हो। हमने पत्तियाँ वगैरह इसकी ब्लैक कर दी हुई हैं, बस एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, वो आपसे ना हो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ। मतलब मिस्टेक नहीं, वो फिटिंग फिर भी हो जाएगी। जैसे ये आप देख रहे हो ना, इसको थोड़ा सा इस तरफ करना पड़ेगा आपको, जो इसकी जो ये है ना पत्ती वो इसके साथ टच हो रही है, थोड़ी पत्ती बाहर निकालनी पड़ेगी और ये यहीं पर रहने दो आपका प्रॉपर ये फिटिंग। इसको आगे की तरफ मुँह करके आप कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको इसके जो ये जो कॉलम है इसको बैंड डलवा दिया यहाँ पर। ये गाइस आप चेक कर लो, इसको इस तरफ को बैंड डलवाया, बैंड इसी तरफ रहेगा, बस थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके आना है। और इस जो पत्ती को ये वाला जो बैंड है ना इसको थोड़ा बाहर रखना आपने, बस इतना काम करना है। बेनिफिट आपको ये होगा एक ही पत्ती के साथ इसका फेस आप जो रूट्स के हॉर्न का है वो आप बाहर की तरफ कर सकते हो, और जैसे मैंने अभी इसकी फिटिंग ऐसे की है तो इसकी तरह भी कर सकते हो। ऐसा क्या कि गाइस किसी टाइम पे हम जैसे जा रहे हैं पुलिस वाले जो हैं इसको नोटिस कम करेंगे दूर से देखने पर, अगर हमने फ्रंट की तरफ इसका फ्रंट फेस कर दिया तो वो दूर से ही देख लेंगे कि जो अपने हॉर्न बाइक में लगे हैं इसको रोक लो। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। अगर आप चाहते हो तो आप इस तरफ भी लगा सकते हो फ्रंट फेस करके, वो आराम से लग जाएंगे। तो बात करते हैं इसकी जो रिले है उसकी फिटिंग कैसी होगी, वो बहुत सिंपल सा फंडा है। आपने जो इसकी रिले लेनी है वो बिल्कुल आप ओरिजिनल वाली रिले यूज़ करना है, इसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, 80 रुपीज़ की होगी ये जो रिले। ये मैंने कार की रिले जो लाइट में लगती है वो वाली यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो इसमें क्या है कि आपको एक नंबरिंग देखने को मिलेगी 85, 86, 87 और 30 उसके ऊपर लिखा होगा। तो गाइस सिंपल सी बात है, जहाँ पे 85 और 86 लगाना वहाँ पे आपके जो हॉर्न स्विच है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हॉर्न का स्विच है जो स्टॉक हॉर्न बाइक में आता है वही वाला, जो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे जो इसके हॉर्न के जो थंबनेल लगे होते हैं थिम्बल लगे होते हैं वही थिम्बल में आपका 85 और 86 लग जाएगा, ठीक है। और जो 30 नंबर और 87 नंबर रह गया वहाँ से आप जो बैटरी से वायर लेके आए हो वो सीधी कनेक्ट आपने वहाँ पे कर देनी है। 30 नंबर पे कर दो चाहे 87 पे कर दो कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका 30 नंबर बचेगा वहाँ से आपने सीधी आउटपुट निकालनी है, वो एक उसमें आउटपुट से दो वायर निकालनी है, एक इस तरफ और एक उस तरफ। और जो उसकी अर्थिंग वगैरह वो आपने हॉर्न के साथ ही कर देनी है, जैसे मैंने की हुई है यहाँ से सिंपल, और आपको वायर भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी, यहाँ से यहाँ पर कर देनी है और उस तरफ भी वैसे ही करनी है। तो सिंपल सा फंडा गाइस, इतना मतलब कोई टेंशन देने वाली बात नहीं, आप खुद कर सकते हो घर पे ही। गाइस आपको हॉर्न की साउंड भी सुना देता हूँ कितनी प्यारी है। अभी आप बात हम बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की। तो हमें इसकी कॉस्ट पड़ी है 1750 के, हमें जो हॉर्न है वो पड़ गए थे, और 20 रुपये के इसके थिम्बल वगैरह जो लेने थे वो पड़ गए, और 20 रुपये की हमें इसकी तार पड़ गई थी जो हमने 2 मीटर ली है, 10 रुपये मीटर तार मिल जाती है आराम से। और अच्छी वाली अच्छी क्वालिटी की वायर लेना जो बिल्कुल पतली हो और अंदर से उसकी जो कॉपर वगैरह है वो अच्छी हो। और ये जो हमारी पत्तियाँ हैं ये हमें 100 रुपये की पड़ी हैं। तो टोटल कोर्ट साहब मतलब आपको 2000 से नीचे आप इसकी जो फिटिंग घर पर कर सकते हो रिले वगैरह सब कुछ डाल के। तो प्लीज़ गाइस आप खुद ही इतना छोटा सा काम बताइए, खुद करो आपको अच्छा लगेगा अपनी बाइक को जब आप खुद तैयार करोगे।
तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय। तो गाइस आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो LED देख रहे हो आप, ये इसकी हेडलाइट में देखने को मिल जाएगी स्प्लेंडर के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट।